सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत सेमरी गांव के ग्रामीणों ने आज तहसील इटवा के परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा व इंसाफ की मांग की। ग्रामीणों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी मांग पूरी हो, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 50 से अधिक वर्षों से जोते बोते आ रहे हैं, जो अब हमारे गांव में चकबंदी चल रही है। इस चकबंदी में जिसका 10 बीघा था उसको एक मंडी, जिसका 20 बीघा था उसे दो मंडी धारा 5 के तहत मिल रहा है और बाकी आराजी वर्ग 8 में कर दिया गया। इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गांव में कुछ पहुंचे हुए लोग हैं जो हम गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिए व जान माल की धमकियां दे रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं संबंध में SDM इटवा विकास कश्यप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला चकबंदी अधिकारी देखेंगे। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। हमारा गांव सेमरी है, नाम रमेश विश्वकर्मा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत था, हमारे पास कुछ खेत नहीं है और ये लोग जो है पूरा खेत ले लिए गांव में। उसके बाद में काना गोहा साहब के पास और तहसीलदार साहब के पास में, पेशकार साहब के पास में, सिक्रेटरी साहब के पास में, लेखपाल साहब के पास में, सबके पास में 2 साल से मैं पैरवी कर रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, बोलते काम हो जाएगा लेकिन कुछ काम सुनवाई नहीं है। और हम लोग अगर नहीं खेत पाएंगे तो अपना जान दे देंगे, यहाँ मर जाएंगे तहसील में, और घर भी हमारा जाने वाले लोग बोलते हैं कि घर हम नहीं देंगे, घर से हम खाली करा के निकाल देंगे, और अगर ज़्यादा बोलोगे तो जान से मार दूंगा, धमकी दे रहे हैं लोग। अगर तहसील में आइए तो साहब लोग फ़ोन करते हैं कि वो लोग आ गए हैं, ये सब पैसा खाए हुए हैं तो तुरंत पहुँचते हैं गाँव है। चकबंदी में सिमरी में लाग है, 65 बीघा खेत हमारा है और यहाँ से सिमरी से छोड़ के हम चला गए मधुआ और नहीं जान पाए। अब बीच में यह चकबंदी चालू हो गए, अब जमीन हमें मिले चाहत है। हाँ दिया है,